चकते हटते बिल्लिया। हे गाइस, दिस इज जस्ट फ्रॉम सेवेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग हेयर कट, जो कि बहुत ही जो हमारी मॉडल है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये कट एक्चुअली उनके लिए बड़े अप्रोप्रिएट है, और बिकॉज शी इज़ इनटू हेयर मींस कि शी इज़ अवर फैकल्टी, सेवेंजर्स की फैकल्टी हैं और अभी पुणे में पढ़ा रही हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी वो भी बहुत वाइब्रेंट है। तो ये जो आज का कट है, ये ऐसे ही लोगों के ऊपर कीजिएगा जैसे कि आज हमारी मॉडल है, क्योंकि वो फैशन इंडस्ट्री से हैं और हेयर इंडस्ट्री से हैं, तो वो अपने बालों को ज़्यादा अच्छे से सेट भी कर सकते हैं और वो उसको मैनेज भी कर सकते हैं। आई थिंक सो, अगर आप किसी ऐसे को करोगे जो ऐसे कट्स को कैरी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसी मॉडल आती है तो बिल्कुल आप ऐसा हेयर कट कर सकते हैं। बहरहाल, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में, कुछ अच्छा हेयर कट, कुछ अलग हेयर कट, कुछ ईजी हेयर कट आप भेजें। तो आज का जो हेयर कट है वो एक्चुअली बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, रिजल्ट थोड़ा अगर आप देखेंगे मुश्किल है। तो आज का जो हमने हेयर कट किया है वो किया है डिसकनेक्टेड ग्रेजुएटेड इन्वर्टेड बॉब। बड़ा लंबा नाम है, क्योंकि मैं आपको सबका मीनिंग बता देता हूँ। डिसकनेक्टेड का मतलब होता है कि जिसमें कनेक्शन ना हो। इसमें हम लोग ने पीछे के बालों को लंबा रखा है, मतलब नेप एरिया के जो बाल है वो हम लोग ने लंबे रखे हैं, और जो ऊपर की साइड के बाल हैं उसमें हम लोग ने इन्वर्टेड मतलब उल्टा, आगे का लंबा पीछे का छोटा, तो बिल्कुल डिसकनेक्टेड है। ये वाले बाल लंबे हैं, नेप एरिया के बाल लंबे रहेंगे और बाकी का जो आपका पार्ट मिलेगा वो आपको बिल्कुल जैसे आप बॉब करते हो वैसे। और बॉब में जब आप इन्वर्टेड करते हो तो इन्वर्टेड का मतलब होता है आगे से लंबा, और ग्रेजुएशन का मतलब कि हम लोग ने जो बाल काटे हैं वो कहीं 45 पे काटे हैं, कहीं 20 पे काटे हैं, कहीं 25 पे काटे हैं, कहीं 0 पे काटे हैं, कहीं स्टेशनरी पे काटे हैं, बहुत अलग अलग इसमें हम लोगों ने एंगल्स लिए हैं, डिग्रीज लिए हैं। तो बिल्कुल गौर से देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग कट है, मेरा बड़ा फेवरेट कट है। अगर आप लोगों को ये कट में मज़ा आ गया, तो अगर जो फ्रेशर्स हैं पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आपके डमी के ऊपर, उसके बाद में आप इसको ट्राई कीजिएगा आपके क्लाइंट के ऊपर, लेकिन पहले दिखा देना, क्योंकि बाद में मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन देखने में कट ऑसम है, अमेजिंग है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं, ये पार्ट वन है हमारा। पार्ट टू जो आएगा वो इसके बाद में आएगा, जिसमें हम लोग ने हमारे जो मॉडल का कलर भी करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे, पहले हम लोग करेंगे हेयर कट, और जो कल आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपको उनके कलर के साथ में। तो चलिए देखते हैं ये कट करते कैसे हैं, स्टे ट्यून एंड चेक इट आउट। Hi, I'm Sapna from Sevenges Hair and Makeup Academy, Mumbai. आज मेरे ऊपर करने वाले हैं disconnected bob haircut. तो ये है हमारे मॉडल का बिफोर का लुक, और जैसे कि आप लोग इनके बाल देख सकते हैं, इनके नेचुरल वेवी बाल हैं, बहुत ज़्यादा वेवी नहीं है, क्लोज टू स्ट्रेट। और आज इनके ऊपर हम लोग शुरू कर रहे हैं disconnected graduated bob. सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं सेक्शंस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने पहले रेडियल सेक्शन निकाला, अभी हम लोग पिरामिड सेक्शन निकाल रहे हैं, और अभी साइड के जो बाल हैं उनको सेपरेट करेंगे। पीछे के बालों को लिया और पीछे के बालों को भी हम लोग सेपरेट करेंगे। ऑक्सीपिटल बोन के जो बाल हैं नेप एरिया के, उनको हम लोगों ने ब्रेडिंग कर दिया, मतलब अभी उसमें हम लोग को पूरा ये वाला जो नीचे के बाल हैं ये हमारे बाल लंबे ही रहने वाले हैं, दिस इज इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग ओनली। तो यहाँ पर हम लोग ने बालों को लंबा रखना है, तभी डिसकनेक्टेड बनेगा। और अभी ऊपर के जो टॉप एरिया के बाल हैं, ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर के बाल, उसको हम लोग ट्विस्ट किया हम लोगों ने, और उसमें से एक्स्ट्रा वेट निकाल दिया, ताकि जब हम लोग गाइडलाइन क्रिएट करें तो हमारे पास में कम बाल हों, जिससे कि हम लोग इजीली गाइडलाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अगेन एक छोटे सेक्शन, बाकी सारे बालों को हम लोगों ने सेपरेट किया, पहले दोनों बालों के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं गाइडलाइन क्रिएट, और वो करेंगे हम लोग सेंटर के बालों को लेके ऑक्सीपिटल बोन से थोड़ा सा नीचे, लिटिल बिट डाउन फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो है डायगनल, तो बीच में हम लोगों ने गाइडलाइन क्रिएट किया, और साइड तक, क्योंकि साइड के बालों को हमें लंबा रखना है, यू कैन सी दैट कि साइड के बाल लंबे हैं और बीच का बाल छोटा है। और अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि जो साइड का हमने लेफ्ट साइड का जो हमने ऑलरेडी गाइडलाइन क्रिएट किया है, वहाँ से हमने राइट साइड के बाल को लिया और एक गाइडलाइन के लिए वहाँ से हमने काटा, उसको बैलेंस किया, और अभी क्योंकि हमारे पास में दो गाइडलाइंस हैं तो हमने ईजीली उसको हमने मर्ज कर दिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बैलेंस चेक कर रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड लुक आया,
इट्स आई थिंक सो वेरी इजी जब आप दोनों साइड को, क्योंकि आप कभी भी शॉर्ट हेयर कट्स करते हो, एक साइड लॉन्ग या एक साइड शॉर्ट, अगर आप असिमेट्रिकल कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको बैलेंस कट करना है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल इवन कट करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया कि आपने एक गाइडलाइन क्रिएट किया और उसको दूसरे से मर्ज करके वहाँ पे आपने काट दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने जो नीचे की गाइडलाइन क्रिएट की है उसी के ऊपर हम लोग सारे बाल काट रहे हैं। मतलब हम लोगों ने गाइडलाइन क्रिएट किया और उसको हम हर सेक्शन के सामने काट रहे हैं। और अगर आप सेक्शन देखोगे तो जो ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर का जो सेक्शन था वो 45 डिग्री एंगल पे था, और अब जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं वो सब 0 डिग्री के ऊपर हम लोग बाल काट रहे हैं। अभी हम लोग पहले पूरा एक साइड का, जो हमारे लेफ्ट साइड है, हम लोग उसके बाल सारे काटेंगे और नीचे की जो गाइडलाइन है उसी के ऊपर लेके काटना है। आप ध्यान रखोगे इसमें कि जो नीचे की गाइडलाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। जब आप बाल काटते हो तो उसमें बहुत छोटे छोटे सेक्शंस लेके ही आपको बाल काटने हैं, बहुत बड़े बड़े सेक्शंस लेकर के नहीं। तो यहाँ से आपने लिया और उसके बाद में आप छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में बालों को काट रहे हैं। बिल्कुल इवनली बालों को काटोगे आप। और अगेन ऑन द अदर साइड, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी गाइडलाइन क्रिएट हो चुकी है, वेरी सिंपल आई थिंक सो इट्स अ मोस्ट ईजिएस्ट कट। बहुत सारे लोगों को डर लगा रहता है कि हम बॉब कैसे करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉब हेयर कट्स हैं, इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग कट्स। खाली आपको समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। आप बॉब हेयर कट 0 डिग्री पे भी काट सकते हो। यहाँ पे आप अगर सेक्शन देखेंगे, दिस इज़ 45 डिग्री, और साथ साथ बैलेंस चेक करते रहो। हर सेक्शन के बाद में बैलेंस चेक करो ताकि आपके वहाँ पे कोई कमी ना आए। आपको जो भी सेक्शन आप कर रहे हो, हर सेक्शन के साथ में आपका बैलेंस चेक होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने बैलेंस चेक किया दोनों साइड से, और अभी हम लोग बिल्कुल साथ साथ बैलेंस चेक कर रहे हैं। बिल्कुल नीट सेक्शंस निकाल रहे हैं, छोटे सेक्शंस निकाल रहे हैं, और हमारे जो नेप एरिया के बाल हैं वो बिल्कुल हमने ब्रेडिंग करके उसको सेपरेट कर दिया है, ताकि उसका कोई भी बाल हमारे ऊपर के बालों पे ना आए। और ऊपर का जो टॉप एरिया है, दैट इज़ वी आर कटिंग एट 0 डिग्री, बट उसमें क्या हो रहा है कि हर एंगल के साथ में हमारा हाथ थोड़ा ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे बाल हमारे ऊपर टॉप एरिया में ऊपर जा रहे हैं, इसी तरीके से मैं इसको स्टेशनरी नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा 0 डिग्री पे बाल काट रहा हूँ, लेकिन हर सेक्शन के सामने। तो नीचे का जो पार्ट था, जो ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर का पार्ट था, वो हमने काटा है 45 डिग्री पे। उसके ऊपर जैसे हम लोग टॉप एरिया पे आते हैं, वो हमारे हर सेक्शन के हिसाब से 0 डिग्री पे काट रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन आने वाली है, वो ऑलमोस्ट जो बाल है वो बिल्कुल जो हेयर स्ट्रैंड के बीच में गैप कम नज़र आने वाला है, और उसी की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इनको बॉडी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। स्ट्रेट बाल हैं इनके, बहुत ज़्यादा वेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा वेवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं है। एंड आई थिंक सो इट इज़ गोइंग टू लुक अमेजिंग ऑन हर पर्सनैलिटी, जैसे इनकी पर्सनैलिटी है। यू कैन सी के बिल्कुल एक इवन लुक आ रहा है ब्रेडिंग के अलावा। तो अगर कोई क्लाइंट रखना चाहे तो वैसे भी बालों को रख सकती है। अभी हम लोगों ने टॉप एरिया का लिया, यहाँ पे हम स्टेशनरी पे काटेंगे बाल, जो हमारा लास्ट सेक्शन था, क्योंकि अभी हम लोग आगे के बाल, रेडियल से आगे के बालों को हम लोग ले रहे हैं, और ये हमारा लास्ट सेक्शन जो हमने लिया था उसके ऊपर हम लोग काट रहे हैं स्टेशनरी। यहाँ पे आप स्टेशनरी गाइडलाइन बोल सकते हो, दिस इज़ माय स्टेशनरी गाइडलाइन। सारे बालों को कोम करेंगे, और आप जो कोम कर रहे हो ना, बिल्कुल रूट्स के पास से कोम करते हो आओ, बिल्कुल रूट्स के पास से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नीट सेक्शंस होने चाहिए, और नीट आपका नीचे गाइडलाइन नज़र आना चाहिए, और जब आप छोड़ते हो बालों को तो बिल्कुल आपको नज़र आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर कटिंग इट। अगेन सेम थिंग, बिल्कुल अच्छे से आप इसको कोम करोगे, और जैसे ही गाइडलाइन नज़र आती है यू हैव टू कट इट। देख रहे हैं आप, बिल्कुल रूट्स के पास है, बीच में से कोम मत करो। कभी भी आप लोग कोम करते हो, हमेशा जो आपके रिपीटेडली जो आपकी कोम होती है वो आप रूट्स के पास से ही करो, ताकि आपका जो कट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस आए, बहुत ज़्यादा इवन आए, बहुत ज़्यादा नीट आए, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है उससे आपका जो कट है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है कि ज़्यादा टाइम तक स्टे करता है वो कट आपका। अगेन एक और सेक्शन हम लोग ने लिया प्रॉपरली,
आगे के बालों को देख रहे हैं, हम लोग सेपरेट करेंगे और बहुत पतले पतले सेक्शंस पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि हमें हमारी जो गाइडलाइन है ना वो प्रॉपर नज़र आए। अभी आप पीछे देखो, स्टेशनरी गाइडलाइन जो हमारा लास्ट सेक्शन था पीछे की गाइडलाइन का, उसी का स्टेशनरी गाइडलाइन के ऊपर हम लोग बाल काट रहे हैं और एग्जैक्टली सेम तरीके से दोनों साइड्स को, बस गाइडलाइन नज़र आया और आपने हेयर कट कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि आगे का जो पार्ट है हमारा वो लंबा हो रहा है, तो ग्रेजुएटेड हो रहा है, जो इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड हम इसको बोल सकते हैं, तो डिसकनेक्टेड इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब। इन्वर्टेड मतलब आगे से लंबा और पीछे से छोटा, डिसकनेक्टेड इसलिए क्योंकि हमारे जो पीछे के बाल आप जैसे देख रहे हो नेप एरिया में, वो नेप एरिया के बाल हमारे बिल्कुल लंबे हैं, तो कट बहुत नाम बहुत लंबा हो रहा है। इट्स एन अमेजिंग कट और मुझे लगता है कि आप लोग सब बहुत इसको एंजॉय करने वाले हो। हर कोई तो कैरी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर किसी की पर्सनैलिटी, सपना जो आज हमारी मॉडल है, अगर उनकी जैसी कोई पर्सनैलिटी आपको मिलती है तो आप बिल्कुल उनको गाइड कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो कि दे कैन गो विद दिस कट। अभी हम लोग फ्रंट सेक्शन पे आते हैं जो कि हमारा पिरामिड सेक्शन है, उसमें भी हम लोग डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन लेके ही करेंगे और इसको भी हम लोग पीछे ही फॉल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे आगे के बाल लंबे चाहिए, मतलब इन्वर्टेड चाहिए। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। हम लोग के नॉर्मली जो लंबे बाल होते हैं वो आप देखते हो कैसे हैं, आगे से छोटे पीछे से लंबे, यहाँ पे इन्वर्टेड मतलब आगे से लंबे हैं। तो इसमें जो मेरी फिंगर्स आप देख रहे हैं ना, वो फिंगर्स डायगनली हैं, डायगनल फिंगर्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कॉम किया, सारे बालों को सेंटर प्रोफाइल के ऊपर लेके आ रहे हैं हम लोग और वहाँ पे ले जाके हम लोग इसको मर्ज कर रहे हैं जो भी हमारी पहले की गाइडलाइन है उसके ऊपर। इससे क्या होगा कि आगे के बाल भी कनेक्ट हो जाएंगे ऊपर 90 डिग्री पे काटने के लिए और हमारे बालों में जो बॉडी है वो भी अच्छी आएगी। आगे के पार्ट को लंबा रख रहे हैं और पीछे के पार्ट पे हम लोग उसको मर्ज कर रहे हैं। अभी इसको हम लोग ने कर दिया और अभी हम पीछे से चेक कर रहे हैं। देख रहे हैं आप कि पहले तो हमने 90 पे भी लिया और अभी हम लोग स्टेशनरी 0 डिग्री पे जो हमारा पीछे का पोर्शन था अभी हम लोग उसको भी वहाँ से काट कर ले रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन द अदर साइड, सेम थिंग हम लोग करने वाले हैं। वहाँ पे ऊपर के पोर्शन पे लिया अदर साइड को और सारे के सारे बालों को हम लोग लेके जा रहे हैं ऊपर और बिल्कुल सेम जैसे हम लोग ने लेफ्ट साइड किया था वैसे हम लोग राइट साइड कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग ऊपर लेंगे और जो भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर आएगा हम लोग निकालेंगे। आप बस इतना समझो कि इसको आपको बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर बाल काटना है। सारे बालों को पीछे ले रहा हूँ बैलेंस चेक करने के लिए अगेन एंड अगेन। इसको हम लोग पीछे स्टेशनरी पे भी लेके गए, वहाँ पे भी चेक किया। नाउ कमिंग ऑन द फ्रंट पार्ट, जो हमारा बैलेंस रह गया था इसको भी हम लोग प्रोफाइल सेक्शन के जो बाल हमारे फ्रंट के हैं, जो हमने पिरामिड सेक्शन बनाया था वो वाले बालों को हमने लिया है और इसको भी हम लोगों ने मर्ज कर दिया हमारे पीछे वाले बालों से और यहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया। साथ साथ आप देख रहे हो मैं चेक कर रहा हूँ बार बार, आई एम चेकिंग इट अगेन एंड अगेन कि कोई भी बाल एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो इनकी ब्रेडिंग की थी, जो चोटी की थी, अभी उसको खोल दिया है। यहाँ पे हम लोग करेंगे वन लेंथ और ये देखो आप अभी हो गया इसका वन लेंथ, बिल्कुल नीट होना चाहिए पीछे से भी। अभी बाल पतले हैं तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने का बेनिफिट ये होगा कि ये थोड़ा हैवी नज़र आएगा क्योंकि बाल अभी इसमें कम है। बहुत ही एडवांस कट है, इट्स अ वेरी ईजी कट आई फील। अभी हम लोग करेंगे हमारे मॉडल का ब्लो ड्राई टू प्रेजेंट इट एंड दिस इज़ द लुक एंड आई होप आपको ये लुक बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम लड़कियाँ कैरी कर पाएंगी इस लुक को, बट इट इज़ माई फेवरेट कट और आई होप आपको ये कट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हमारी मॉडल को बहुत अच्छा लगा, सपना को, और शी इज़ वेरी हैप्पी। इनका पार्ट सेकेंड देखेंगे हम लोग विद द कलर, क्योंकि आज हम लोग इनका नेक्स्ट टाइम कलर के साथ में भी मेकओवर करेंगे कि इनके मेकओवर के साथ में कैसा लगता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस हेयर कट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप दोस्तों आपको ये हेयर कट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इजी भी था और हमारी मॉडल को तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत इजी था, बस आपको इतना देखना है कि आपकी जो मॉडल है वो बिल्कुल इसी तरीके की, इसी पर्सनैलिटी की, जैसे हमारी मॉडल की पर्सनैलिटी है, अगर वैसी पर्सनैलिटी है और वो थोड़े फैशन इंडस्ट्री में हो, बिल्कुल आप कर दिए ये कट। और सबसे पहले इसकी जो, अगर आप फ्रेशर हैं
तो आप लोग सबसे पहले इस कट को करेंगे आपकी डमी के ऊपर, उसके बाद में आप ट्राई करेंगे आपके क्लाइंट के ऊपर। पहले उनको दिखा दीजिएगा कि भैया इसमें ऐसे होने वाला है, क्योंकि कटने के बाद में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके क्लाइंट की पर्सनैलिटी बहुत वाइब्रेंट है और वो थोड़े अलग तरीके के कट कैरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए। अभी और बहुत सारे कट लेकर के आने वाले हैं आपके सामने, बहुत सारे कलर्स लेकर के आने वाले हैं, और इसका बी पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा जो हम लोग ने किया है वीविंग जिगजैग टेक्निक पे, और जिसमें हमने थोड़ी फॉइलिंग भी अलग करी है। तो चलिए, आई होप आपको ये कट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको सबको शेयर कीजिएगा, आपके दोस्तों को जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये कट सीख सीख के आप लोग बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें। और अगर आप लोगों को हमारी अकेडमी में आना है तो भैया ये नंबर दिख रहा है आप लोग को, ये नंबर पे आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, अगर कॉल नहीं उठता तो बिल्कुल अकेडमी में आ जाओ। मुंबई के अंदर हमारी जो अकेडमी है वो है हमारी खारघर में, डोंबिवली में, अंधेरी में, और अगर आप मुंबई से बाहर जाते हो तो हमारी है पटना में, चेन्नई में और पुणे के अंदर, हर जगह पे अभी बहुत सारी अकेडमीज आ रही हैं आप लोग के पास में। लखनऊ में भी बहुत जल्दी हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।